नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल इंडियन माइथोलॉजी पे। आज मैं बात करने वाली हूँ महाभारत के एक ऐसे योद्धा की जो चाहता तो अपने सिर्फ 3 बाणों से महाभारत का पूरा युद्ध खत्म कर सकता था। जी हाँ, लेकिन दोस्तों मैं श्री कृष्ण भगवान की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। कृष्ण भगवान अगर चाहते तो एक पल में युद्ध खत्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ मैं बात करने वाली हूँ उस योद्धा के बारे में। वो योद्धा पांडवों में से ही किसी का पौत्र था। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ बर्बरिक नाम के योद्धा की। बर्बरिक उस काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था और सबसे अच्छा योद्धा था। वो भीम का पौत्र था। बर्बरिक जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसने ये घोषणा की कि जो भी दल हार रहा होगा उस पक्ष से वो लड़ेगा। ये बात सुनकर भगवान कृष्ण बहुत ही चिंतित हो गए और एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण बर्बरिक के पास गए और उसे कहा कि अगर तुम इतने बड़े योद्धा हो तो इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण से छेद के दिखाओ। तो बर्बरिक ने बाण लिया और छोड़ा और सभी पत्तों को छेदता हुआ वो बाण जा रहा था। तभी उसमें से एक पत्ता नीचे गिर गया। कृष्ण भगवान ने ये पत्ता देख लिया और अपने पैरों के नीचे छुपा लिया ताकि वो एक पत्ता छेदने से बच जाए। लेकिन तभी बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता रह गया है, वो पत्ता आप सिर्फ बाहर निकाले, क्योंकि मैंने वाण को सिर्फ पत्तों को छेदने का आदेश दिया है, पैर को नहीं। ये बात सुनके श्री कृष्ण भगवान और भी चिंतित हो गए और फिर भगवान कृष्ण ने एक युक्ति निकाली और सुबह सुबह बर्बरिक के शिविर के पास ब्राह्मण के रूप में वो गए और बर्बरिक से दान मांगा। बर्बरिक ने कहा कि ब्राह्मण देव, आपको जो भी चाहिए आप मांग लीजिए। श्री कृष्ण ने उससे कहा कि तुम मुझे ये दान नहीं दे पाओगे। फिर बर्बरिक ने संकल्प किया कि आप जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरिक को पता चल गया कि ये श्री कृष्ण भगवान की ही युक्ति है और वो समझ गया कि पांडवों को जिताने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने ये युक्ति की है। फिर बर्बरिक ने अपनी खुशी से पांडवों की जीत के लिए अपना शीश दे दिया। ये देखकर श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरिक को अपने नाम से पूजित होने का वरदान दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम खाटू श्याम जी के नाम से बर्बरिक का पूजन करते हैं। खाटू श्याम जी और कोई नहीं, बर्बरिक है। और जहाँ पे श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है, इसीलिए हम खाटू श्याम जी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।